What am I doing? I don't know what I'm doing. I'm taking a swing. I'm not going to commit. अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग है अयान के स्कूल के हवाले से। हम लोग जा रहे हैं इनके स्कूल और एडमिशन इनका हो चुका है। इनका हमने करना है अभी यूनिफॉर्म का और बुक्स का, वो इनके स्कूल से मिलेंगी। तो अभी हम वहीं पर जा रहे हैं और सुबह सुबह उठे हैं तो इन सब बच्चों को साथ लेके जाना पड़ा है। ये बच्चे सो रहे थे मेरे छोटे, तो इनको भी साथ लेके आना पड़ा है। अयान इधर अंदर हो जाओ, सर उतर जाएगा तुम्हारा। अयान को मैंने मोटी शर्ट की वाली पहनाई है। इतनी मोटी नहीं है, मतलब कि ठीक है ना, वो चेहरी स्टफ नहीं होता, बट इसको फिर भी ना गर्मी आ रही है। यार मुझे गर्मी आ रही है, तो मैंने कहा कि अभी स्कूल से वापस आओ और शर्ट मैंने उठाई है आपकी, फिर चेंज कर दूँगी। सही है, नहीं गाड़ी में चेंज करेंगे ना। सन ब्लॉक लगाया आपने, सारा मुँह पे जमा हुआ है। इधर मुँह करो, मैं साफ करती हूँ। चलो, तो गर्मी का मौसम है तो अपने बच्चों को सन ब्लॉक जरूर लगाया करें, और सन ब्लॉक जो होता है ना वो प्रोटेक्ट करता है आपको, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। आया था सीरत को, मैंने गाड़ी में ही कपड़े चेंज किए हैं। ये आया था और सीरत में आपको देखी, ये है जी सीरत। और सीरत को मैंने अभी शर्ट इसने पहनी हुई थी, बट कपड़े हमने गाड़ी में चेंज किए, पैंट वगैरह। सीरत की तबीयत भी ख़राब है, फिर भी हंस रही है। बड़े टाइम बाद हम लोग बाहर निकले हैं, गर्मी अच्छी खासी हो गई है। सारा भी जो है बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश हुई है स्कूल जाने के लिए। हाँ, ये नींद आई आपको? नींद नहीं, सोना नहीं। बिस्मिल्लाह, हम लोग अभी इनकी हदूद में पहुँच गए। और भाई ये सामने जो है ना, ये पार्क भी है। सही है, सीरत के बाल देखे माशाल्लाह। और ये F9 पार्क है, इतना अच्छा एरिया है, साफ़ सुथरा, क्योंकि यहाँ पार्क फोर्स वाला एरिया है सारा। और सही सफाई भी रखी हुई है। और सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो हॉस्पिटल है, और ये जो सामने नज़र आ रहा है ये स्कूल है। तो कल हम लोग आए थे लेकिन सारा की सीट नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से मिली है। ये देखें, अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए नज़दीक, और बहुत बड़ा स्कूल है, वाइट प्लेस है। बच्चों को ना वाइट जगह अच्छी लगती है, वाइट ग्राउंड हो, वाइट स्कूल हो, है भी बहुत बड़ा है ना। आप देखिए, अयान खुश हो आप? गर्मी भी आई है ना? गर्मी आई है। मैं पानी पिया था। अच्छा ठीक है, पी लेंगे पानी, अंदर है ना पानी। वाटर डिस्पेंसर भी है इनके पास। अच्छा, तो ये स्कूल है जी, फजाइया एजुकेशन स्कूल सिस्टम। हाँ, देखें कितना बड़ा स्कूल है माशाल्लाह। बच्चों को देखें, सामने बच्चों को देखें। नहीं हो रही है, छोड़। खुले ग्राउंड है ना, ये देखें यहाँ पे पीटी होती है। ये बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, खैर खैर। आयत गिर गई, आयत गिर गई, आयत गिर गई। देखें ना, खूबसूरत है माशाल्लाह। इधर 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 पहले, ये स्कूल है, हम लोग इंटर हो रहे हैं। नहीं, अभी हम जा रहे हैं इनका यूनिफॉर्म लेने, स्कूल के अंदर से ही मिलेगा।
सही है ना, अच्छा स्कूल है। यहाँ खुली जगह चाहिए थी, सही खुली जगह मिल गई। वैसे भी ठीक है, ले लें पैसे यहाँ की। पसंद ये भी इसके साथ शामिल है, ये क्या चीज है? ये क्रेप पेपर है। अच्छा क्रेप पेपर है, ये सब काम करवाते हैं बच्चों को ये? हाँ जी। अच्छा तो खुद ही करती हैं क्या बच्चे काम? हाँ हम तो खुद ही करती हैं काम। अच्छा अभी जब जमा करवाएंगे तो ये बोलेंगे कि काम भी करवाते हैं इस पे या नहीं बता देंगे। जी सर। तो अभी स्कूल से हम लोग फारग हो चुके हैं और ये बुक्स और यूनिफॉर्म है मेरे पास, बाकी सब कुछ हमने सबमिट करवा दिया है। यहाँ पे ये देखें झूले वगैरह लगे हैं, छुट्टी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन। कौन सी क्लास में हो? फोर में हो? अयान थ्री में है। चलो इंग्लिश में बात करो आप दोनों, मुझे पता चले। इंग्लिश इन्फ्लुएंसी, ओके गुड स्पीकिंग। मेरा फ्रेंड यूसुफ है ना, वो पठानी है, ठीक तरह से इंग्लिश नहीं बोलता। तो क्लास में टीचर बोलती है आपके साथ इंग्लिश में बात करती है? अच्छा जी, इस बच्चे की इंग्लिश बहुत मजे की है, एक्सेंट भी अच्छा है। ओ ओ आपके नहीं आए पेरेंट्स अभी? मैं जो है आ गए हैं लेकिन वो स्लिप ले रहे हैं। अच्छा ये मेरा छोटा भाई है अफान। अच्छा ये अफान है। हेलो ओके इन विच क्लास डू यू स्टडी? बेबी 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 ये नॉर्मली बोलता है लेकिन जो दो तीन पहले लेटर होते हैं ना उनको रिमूव कर देता है। हाँ ये क्या है? इसे इक्की माउस। यस इसे इक्की माउस। मिकी माउस बॉटल, इट्स बॉटल। इक्की माउस बॉटल। क्या नाम है इसका? अफान। अफान अफान इन विच क्लास डू यू स्टडी? हां ये प्ले ग्रुप में और मैं ऊपर जा रहा हूं। ओके मैं थ्री ग्रीन आपके बच्चे हैं जी माशाल्लाह। वो धूप है, चलो 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 चले। चलो सर अभी हम ढूंढ रहे हैं जी पिक एंड ड्रॉप वाले कि हमें कोई पिक एंड ड्रॉप जो है वो मिल जाए। कह रहे हैं कि स्कूल की बस भी है तो स्कूल की बस से पता करें
वहाँ से शायद आपको पिक एंड ड्रॉप मिल जाए ना, उन लोगों से पता करें। तो हम लोग अभी वही तलाश कर रहे हैं क्योंकि इनका एडमिशन हो चुका है, क्लासेस जारी हैं और हमने इनको कल भेजना है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं और अगर अवेलेबल हुई तो अच्छा। यहाँ पे मैंने एक मुझे वो लेडी मिली थी, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं 5-6 साल से ना, तो मैंने उनसे इंटरेक्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि आपने बहुत अच्छा किया यहाँ पे अपने बच्चे एडमिट करवा के, क्योंकि मैंने ना बीकन हाउस में भी किया हुआ है वो टीचिंग वगैरह की है, और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जो पैसे ज़्यादा लेते हैं ना, तो उनका ये है कि वो दीन इस्लाम से एक तो बच्चा हट जाता है, दूसरा ये होता है कि पाकिस्तान की एंट्री हो जाता है, और तीसरी बात जो मेन बात थी वो मुझे ये थी कि मेरे बच्चे जो है ना उनकी इंग्लिश इन्फ्लुएंस ही अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे उसके बेटे से मैं मिली हूँ, वीडियो मैंने आपको दिखाया है, उसका बेटा जो है ना बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, और इनके सिलेबस भी ऑक्सफोर्ड का भी है, अच्छा सिलेबस है, और ये बीकन हाउस में भी ऑक्सफोर्ड का सिलेबस यूज़ हो रहा है बीच में, ठीक है, क्योंकि बीकन हाउस का मैंने सिलेबस जाके चेक किया तो उसमें भी यही बुक्स थी जो अयान की बुक्स थी ना, 2-3 बुक्स वही थी इंग्लिश की और उर्दू की, और बाकी जो है ना इधर उधर की थी। बट ये है कि कुछ इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, 20,000-22,000 वो चार्ज कर रहे हैं पर बच्चे का, साथ वो जो क्लब बता रहे थे हम कराटे करवा रहे हैं ETC ना, तो यहाँ पे ये PTC भी करवाते हैं, PTC कह रही हूँ, PT भी करवाते हैं पूरा, इन्होंने एक कोच रखा हुआ है PT वाला, और बेटर एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, हर चीज़ के लिहाज से स्कूल बहुत अच्छा है। आपको पता है एक बच्चा जो है ना पाक फोर्स का अपना एक रूल होता है, अपनी एक लाइफ होती है, तो जब इसमें बच्चे ढल जाते हैं तो इनके सारे जो स्टाफ होता है वो भी मैनेजर कर्नल इस तरह के जो होते हैं ना सारे, वही स्टाफ होता है, वही टीचिंग कर रहे होते हैं, वही पढ़ा रहे होते हैं, तो नो डाउट कि अच्छी एजुकेशन देंगे। और दूसरी बात ये कि बच्चा जो है ना आपका डेवलप होकर निकलता है, ठीक है, फिजाइए कि बच्चे अक्सर मैंने देखे हैं पाक फोर्स के जितने भी होते हैं ना थोड़े सेंसिबल होते हैं, अच्छे होते हैं, तो मुझे तो अपना डिसीजन बहुत अच्छा लगा है। और अब मैं अगर मैंने स्कूल से इनको निकाला भी ना तो मैं अलहुदा भी जाऊँगी और किसी स्कूल पर नहीं जाऊँगी। अलहुदा की मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे इस्लामिक टच जो है ना हद से ज़्यादा है, इस्लामिक टच जो मेन रीज़न है लाइफ का जो मकसद है वो यही है कि इस्लामिक टच भी साथ होना चाहिए ना, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमें उसी तरह एजुकेशन लेनी चाहिए। तो अभी हम घर जा रहे हैं और हम बहुत खुश हैं और मैं बहुत सेटिस्फाइड, अल्लाह का शुक्र है कि इनका एडमिशन हो चुका है यहाँ पे, और अभी हम घर जा रहे हैं, बच्चों को भूख लगी है। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अपने अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें। फिजाइएगा थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पे करवाया है, विजिट करवाया है, कि मुझे ना इंटरनेट पे यूट्यूब पे ना फिजाइए का जो है वो कुछ खास वीडियोस नहीं मिली है, तो मैंने इसलिए बना ली ताकि आपका अगर माइंड बन रहा है ना तो आप देख लें बिल्डिंग और वो सारी चीज़ें, सही है, उसी के साथ आप बैठो और उस बातें किया करो उसके साथ, सही है। आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन आप एक्सेंट चेंज करो, सही है। चलिए सही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।